मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अल्प विश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हां, देता तो है। पर वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।